तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंसेज लगे होते हैं ठीक है थीके? एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और इसे कहते हैं आई लेंस आई लेंस क्यों कहते हैं इसे क्योंकि इधर हमारी आई होती है जो इस ऑब्जेक्ट को देखती है ठीक है अब ये होता किस लिए देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है

ऑब्जेक्टिव की इमेज बन गई यहाँ पे ठीक है अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए जो राइट right साइड में राइट right साइड में मतलब कॉन्वेक्स लेंस के राइट right साइड में अगर इमेज बनती है तो वो कैसी होती है रियल इमेज होती है ठीक है और ये इन्वर्टेड है या अपराइट है इन्वर्टेड है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड था और जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के केस मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के, के केस में ठीक है तो आंसर देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा देखो वर्चुअल तो इनकरेक्ट हो जाएगा ये वर्चुअल भी इनकरेक्ट हो जाएगा बचे ये दोनों रियल एंड डायमिनिस्ट और रियल एंड एंड तो देख के बताओ ये जो हमारी इमेज बनी एनलार्ज बनी या डायमिनिश बनी डायमिनिस्ट होता है छोटा एनलार्ज होता है बड़ा तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है और ये हम यूज ही क्यों करते हैं मैग्नीफिकेशन के लिए तो एनलार्ज लार्ज इमेज बनी है मैग्निफाइड इमेज यहाँ पे वैसे यहाँ पे आई पे जो बनती है वो मैग्नीफाइड होती है पर जो ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज बनी वो भी क्या है ऑब्जेक्ट से एंड लार्ज है तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा रियल एंड एन लार्ज यानी ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ठीक है थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनोड करे डाउट नेट ऑप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर